वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो पूरा की पूरी जो सरकारी व्यवस्था है वो चरमरा जाए। अब जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव पास आ रहा है, इस तरीके का दबाव और बढ़ाएंगे लोग। भारतीय जनता पार्टी एक नकारात्मक सोच की पार्टी है, इनको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ जो है अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो है विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे लेने का मामला है, उसके अंदर 2016 से अब 24 हो गया, 8 साल से सारी एजेंसियां उसके अंदर अलग अलग लेवल पे जो है इन्वेस्टिगेशन कर चुकी हैं, तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। ये तो बहुत शर्म की बात है ना केंद्र सरकार के लिए कि ACB उनकी, CBI उनकी जांच की, कहीं ये नहीं दिखा कि कोई पैसे के लेन देन पे किसी की भर्ती वहाँ पे की गई है। और केंद्र सरकार तो चाहती है कि दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी महकमे हैं वहाँ पे पद खाली रहें, वहाँ की खुद वो भर्ती करना नहीं चाहते, कोई और दूसरा भर्ती कर दे तो उसके ऊपर जो है आरोप लगाते हैं। इसका मतलब वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो पूरा की पूरी जो सरकारी व्यवस्था है वो चरमरा जाए। यही अस्पतालों के अंदर भी कर रहे हैं, खुद लेंगे नहीं, दूसरे को लेने देंगे नहीं। तो सारा देश देख रहा है कि इस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और अब जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव पास आ रहा है, इस तरीके का दबाव और बढ़ाएंगे लोग। बीजेपी जांच करने देना चाहिए, कानून अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो तो सुप्रीम कोर्ट कई बार अब टिप्पणी कर चुका है। ED और CBI के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसको मन करता है उसको जेल में डालते हैं, जिसको मन करता है उसको गवाह बनाते हैं, जिसको मन कर रहा है उसको अप्रूवर बना रहे हैं, जिसको मन कर रहा है आरोपी बना रहे हैं। तो कोई कानून नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार की सियासत के हिसाब से जो है लोगों के ऊपर एक्शन किया जा रहा है, और ये कोई और नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत कई बार ED के विषय में, एक्साइज मामले में कह चुकी है। BJP इसका विरोध करेगी, इस आधार पे कि इसमें कुछ क्लियर नहीं है क्या प्रोविजंस रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नकारात्मक सोच की पार्टी है, कोई भी काम कोई सरकार करे तो उसका विरोध करेंगे। आधार कार्ड UPA ला रही थी, ये विरोध करते थे, फिर ये खुद ले आए तो ये बहुत अच्छा था। मनरेगा पहले UPA के ज़माने में था तो उसका विरोध करते थे, बाद में खुद चला रहे हैं। GST UPA के ज़माने में आ रहा था, ये विरोध करते थे, प्रधानमंत्री खुद उसका विरोध करते थे, मगर जब खुद आ गए तो लेके आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी का नकारात्मक सोच की पार्टी है, इनको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ जो है अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो है विरोध करते हैं।